ट्रैक्शन कंट्रोल बंद हो जाता है, पिछला ब्रेक अगर मारेंगे ना पूरा टायर एकदम स्लाइड होता है, एकदम बाहर जाती है गाड़ी ट्रैक छोड़ के। वाओ, ही इज चेकिंग आउट अवर स्टाफ। मुझे ना मरियम की बड़ी याद आ रही है। वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग, कल अगर आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा तो हम लोग रामपुर में आ गए थे, रामपुर हिमाचल प्रदेश, और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी वक्त हुआ है तकरीबन 7:02-3 हुआ है। हम लोग होटल नवनाब के अंदर हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। मैं ये होटल दिखा देता हूँ आपको, ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है, तक एटलीस्ट 250 ईयर्स का इसका हिस्ट्री अवेलेबल है, ट्रेसेबल है। ये हमारा रूम है, शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, छोटा सा रूम है एक्चुअली, और वॉशरूम भी जो है मतलब मुझे पसंद नहीं आया एक्चुअली। टॉयलेट सीट इज़ वेरी स्मॉल, अगर कोई कोई इंसान अगर थोड़ा सा फैट है तो उनको तकलीफ़ होगी। ये पूरे टैप्स एंड ऑल पूरे हेरिटेज स्टाइल में उन्होंने यूज़ किए हैं, जगवार का लाइन है वो। एंड देन मतलब दिस इज़ हाउ द बेड इज़, मतलब यू नो इट्स वेरी स्मॉल एंड यू नो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, देर इज़ नो वेंटिलेशन फैन, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है वॉशरूम के अंदर, बट मतलब यू नो एरिनेशन प्रॉपर नहीं है। देन यू हैव दिस मतलब चौक होटल के बीच में, ये अभी बहुत खूबसूरत लग रहा है। रात को ये बड़ा डरावना हो जाता है यार, खुला आसमान के नीचे एकदम से ना। वैसे ही आजकल जो अगर आपने यार, वैसे ही हिमाचल प्रदेश है, इतनी हमने मूवीज़ देखी इस बारे में, और अभी वो अरनायक सीरीज़ आई थी तो वो जो फील आती है ना, वो मतलब नरतेंदुए वाली, वैसा लग रहा है आपको ही ना आ जाए कहीं, तो आई मीन फॉर सम रीज़न इट गेट्स स्केरी इन द नाइट टाइम। यहाँ पर काफ़ी नक्काशी हुई है वुडन वर्क पे। मुझे नईम भाई की याद आ रही है, ही इज़ ए हार्ली डेविडसन राइटर फ्रॉम इंदौर, जो कि वुडन नक्काशी को बहुत समझते हैं वो, ही इज़ ए इंटीरियर डिज़ाइनर एक्चुअली। तो मैं आपको बाकी होटल का व्यू दिखाता हूँ एंड देन वी गेट स्टार्टेड। सो दिस इज रामपुर फॉर यू, ब्यूटीफुल प्लेस, और ये होटल है होटल नवनाब हेरिटेज होटल, और यहाँ से रास्ता जाता है पास में एक दरबार का। विक्रांत भाई ने, हम लोग कल जाने वाले थे, फिर विक्रांत भाई ने बोला रहने दो यार अभी, मतलब क्या बोलते हैं यार, रहने दो अभी, दरबार रात के टाइम में दरबार वगैरह नहीं जाना भाई, खतरनाक होता है वो, दिख भी वो बहुत स्केरी रहा था। मैंने बताया ना अभी अरनायक वाला सीरीज एकदम नरतेंदुए वाली फीलिंग आ रही है, खौफ डाल देगी आपको। एक्चुअली होता क्या है, आप इस तरह की चीज़ें जाते हो ना, फिर आपको क्या है, अब मेरे को रात रात भर जंगल में रहना होता है, ठीक है, आप क्रॉस कर रहे हो, राइड कर रहे हो, तो आपको अगर कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है देन यूर ओके, यू आर वेरी कंफर्टेबल। फिर अगर आपके दिमाग में कोई डाल दे कि नहीं उस रास्ते पे केयरफुल रहना, ठीक है, तो फिर आपके दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आती हैं, फिर वो बिल्ली भी शेर दिखती है रात को ना, शेर भी देखेगा ठीक है, सो लॉन्ग इट्स एनिमल इट्स फाइन, बट देन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारी बाइक्स हैं जो हमने कोल्ड स्टार्ट कर ली हैं, और हमारे पोस्टर बॉय, हमारे ब्लॉक के स्टार जो हैं, स्टार आप ही हैं, राइट। सो वी आर नाउ, वी आर नाउ गेटिंग टू टू गोल्ड टेंपल। हिमाचली पीपल आर वेरी हम्बल, सो लॉन्ग आई हैव रियलाइज्ड इन टू डेज, वेरी वेरी नाइस पीपल, थैंक्स गाइस। एंड देन यू हैव दिस चौक, वही द भूतिया वाला चौक जो है ना, वही है, ठीक है। उधर रेस्टोरेंट है, मैं दिखा देता हूँ, ये सामने रेस्टोरेंट है, और आप अगर यहाँ से सीधा जाएंगे होटल का बैकयार्ड है, यहाँ पर आप, हमने कल खाना खाया था बैठ के, और यहाँ पर आईपीएल की स्क्रीनिंग भी हो रही थी। यहाँ पर पूरा जो है आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये, माशाल्लाह, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, नाइस एंड नेचुरल हैबिटेट, बहुत अच्छा है, और ये प्रॉपर्टी भी डिसेंट इनफ है, मतलब आई लाइक द प्रॉपर्टी, बट देन एक व्हाट आई सी इन दिस प्रॉपर्टी इज, मतलब यू नो देर आर रूम्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब स्पेशली विद द रूम्स इटसेल्फ, ठीक है। खाना बहुत अच्छा था, खाना मुझे बहुत पसंद आया, हमने शेफ को बुला के ही सीधा बात करके ऑर्डर किया था, उनको कोई पनीर का कोई स्पेशल डिश होता है, पनीर कोफ्ता समथिंग लाइक दैट, कुछ कोफ्ते थे, एंड दोज वेर रियली नाइस। आई एम वेजिटेरियन मोस्टली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, सो That is how it is, guys. See? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. चलो, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं रोड टू काजा के लिए, इसी के लिए तो आते हैं यहाँ पर। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग,
द रीजनल हिमाचल बास्केट्स जो लेडीज़ कैरी कर रही हैं। अभी 21 डिग्री टेम्परेचर है, आप देख सकते हैं कल 36 डिग्री था शाम को थोड़ी देर पहले यहाँ से, और ये नर्म जो धूप है ये बड़ा अच्छा एहसास दे रही है। गाज़ा में टेम्परेचर भी 2 डिग्रीज है, माय गॉड। ये लेफ्ट साइड में बहुत ख़तरनाक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे या इफ़ यू स्लिप, ठीक है, तो ये मतलब नॉन रेस्क्यूएबल जोन है वो, तो आप ख्याल रखें, यहाँ पे इंजॉय भी करना है अपने को और सेफ्टी भी प्रायोरिटाइज करनी है। यहाँ लैंडस्लाइड अक्सर होते रहते हैं पहाड़ों में, कब मौसम बदल जाए आपको नहीं मालूम, अभी एक रास्ता खुला है कब बंद हो जाए यू नेवर नो। जैसे जैसे हम आगे, ये तो फिर भी रोड है एक्चुअली, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे रिस्क बढ़ती जाती है और मौसम और अनप्रडिक्टेबल होता जाता है। ब्यूटीफुल, ये पहाड़ काट के ये रास्ता बनाया है और ये झरने से पानी आ रहा है, बर्फ़ का पिघलता हुआ ठंडा एकदम। खूबसूरत नज़ारा, यहाँ पर चेक पोस्ट है और हमको यहाँ रुकने के लिए बोला है, तो देखते हैं क्या क्या स्टेटस है। तो अभी हम लोग आए हैं फर्स्ट एंट्री पॉइंट पे, ये चौरा है ये एरिया, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली जो है यहाँ पर बैरिकेशन आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको अपना व्हीकल का एंट्री करवाना होता है, कितने व्हीकल्स हैं, कितने पैसेंजर्स हैं। इनफैक्ट उनको हमारे लगेज भी चेक हुए, एक फॉर्मल चेकिंग बेसिकली, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो टूरिज्म को कंट्रोल किया जा सके और स्पेशली रेस्क्यू को कंट्रोल किया जा सके। तो ये एक अच्छा एफर्ट है कि मतलब यू नो वी रियल अप्रिशिएट दैट लगेज इज बीइंग चेक्ड, बिकॉज उससे क्या होता है कि जो आम टूरिस्ट है ना उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का पुलिस चौकी है और यहाँ पर पूरा जो बेसिकली मौसम की जानकारी है वो हमको दी गई है और मतलब पूरा जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है सेफ्टी के लिए वो हमको पूरा सेफ्टी ब्रीफिंग हमारी की गई है। ओ माय गॉड, ओके, सी यू बॉयज, सी यू। हम यहाँ पर रुके, कुछ तस्वीरें ली हमने, बट हमको जैसे चाहिए थी वैसे नहीं मिली, तो हम अभी आगे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर और भी क्लिफ हैंगर्स आएंगे। पहाड़ों में लेन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेन डिसिप्लिन के बोर्ड्स मैंने यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे देखे थे। अब लोगों को समझ में भी आता है कि लेन डिसिप्लिन वो एक अलग बात है, बट बहुत अच्छी बात है, मतलब आई अप्रिशिएट कि वहाँ पर बोर्ड्स हैं, एटलीस्ट लोगों को एजुकेशन मिल रहा है कि मतलब बार बार देख के कि यार मतलब लेन डिसिप्लिन भी कुछ होता है। मतलब एक छोटा सा साइन बोर्ड लगाए कि वार्निंग साइन कि ऊपर आने वाली गाड़ी के लिए ठहरें, धन्यवाद। इसको इसका पालन करना बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, अंडरस्टैंड द सीवियरिटी कि आपको रुकना बहुत ज़रूरी है ताकि आप दूसरी गाड़ी को मतलब सेफली ऊपर आने दें, उसका मोमेंटम और टॉर्क ना तोड़ें आप। आई एम मिसिंग माई डॉटर मरियम बिकॉज मैरी हैड ए लिटिल लैम। यार और अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए आई विल नॉट डू दैट। और अपने इतनी सुंदर सिंगिंग भी नहीं है कि मतलब कि लोगों को सुनाई जाए। बाबा फ्लैगशिप मरियम, दिस इज़ बाबा फ्लैगशिप। एक्चुअली बाबा फ्लैगशिप के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जो कार्टून कैरेक्टर में, जो कार्टून वीडियोस में बाबा फ्लैगशिप होती है वो इतनी धुली हुई और चकाक होती है कि मतलब जब रियल बाबा फ्लैगशिप देखता है ना बच्चा तो पहचान ही नहीं पाता है कि अच्छा ये वही है। और डॉगी भी है साथ में, क्या जबरू है यार। Oh wow, what a cliffhanger! ये देख रहे हैं आप, अब ये देखिए immediate fall, you see this one? ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, रोड पे बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसे गाड़ी चलाने में। मैं आपको लीन एंगल दिखाता हूँ,
टापरी पहुंचे हैं और टापरी में हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं। ये हम लोगों ने बाइक्स लगा दी हैं। एक्चुअली हमने पहले वहाँ लगाई थी बाइक और हमें बताया गया कि यहाँ पर फाइन हो जाता है तो यहाँ से हटा लो। तो मतलब एक्चुअली ये टाइट स्पॉट है और खाने के ऑप्शंस कमी है, तो इसलिए शायद ट्रैफिक फाइंस आ रहे होंगे यहाँ पे, वरना असच माउंटेन्स में इतनी पॉपुलेशन तो नहीं होती। ये हम लोगों ने सामान रख दिया है और ये हमारा नाश्ता है। वो ने लिया है आलू प्याज का पराठा विथ मक्खन, दही स्वीट, और ये अरेबिक चटनी जैसा लग रहा है, ये टमाटर का चटनी होगा सपोज। ओह हाँ, ये ट्रक मुझे एक्चुअली दिखा नहीं इससे जो जालियां हैं उससे, क्योंकि ये बहुत सिक्योर्ड है जालियां बहुत ज़्यादा। बट देन आई स्लोड डाउन एज सून एज आई सॉ द ट्रक। ये यार अच्छा यार मस्त है। कभी भी आपको कोई भी इस तरह की जेसीबी दिखती है, बुलडोज़र है, रोड क्लियरर है, कुछ भी इक्विपमेंट मिलता है, कुछ भी दिखता है, हमेशा ड्राइवर की नज़र में रहें, उससे कंफर्म करें आंखों आंखों में या हाथ से इशारे से, उसके बाद आप निकलें। ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें या फिर स्किप होने को ना देखें। यहाँ पर ये बोर्ड देखिए, डू नॉट वेंचर नियर द रिवर। अभी हम लोग टाबो से पहले, मतलब टाबो के रास्ते में है, टाबो और गाजा के रास्ते में। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है इसलिए मैं रुका हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ तस्वीरें ली हैं और आप देखिए, दिस इज़ व्हाट इट इज। पूरा माउंटेन जो है ना पूरा कटा हुआ है और माउंटेन के शेड के अंदर आपको पूरा चलना है यहाँ से, रोड पूरा यहाँ से फुल वहाँ तक, पूरा आगे तक। मतलब यहाँ पर साइन बोर्ड्स लगे हुए कई जगह पर कि वाटर बॉडीज के पास जाके आप ना ठहरो या तस्वीरें वगैरह लेते हो तो ज़्यादा करीब ना जाओ, क्योंकि कभी भी वाटर को रिलीज़ कर सकते हैं। देखो व्हेन दे रिलीज वाटर यू विल नेवर नो, नो मैटर हाउ गुड ऑफ ए स्विमर यू आर, आप नहीं बच पाओगे आप, है ना। इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव, क्योंकि वो जो फोर्स होगा ना वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, स्विमिंग पूल, कुआँ, नदी, सी मतलब ये बीच पे जाके तैरने वाला उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मिडल ऑफ द सी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाउ वाटर बॉडीज बिहेव, ठीक है, यू आर ओके इन सर्टेन थिंग्स, इन सर्टेन टर्म्स, इन सर्टेन सिचुएशंस। जब एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ वाटर होगा ना, एक्सीडेंटल नहीं होता है वो, प्लान रिलीज होता है, बट कहाँ पर कौन बैठा आपको मालूम नहीं। जब आपके लिए वो एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ वाटर बनेगा ना, ठीक है, तो आप मतलब यू नो आप नहीं उस पर स्विम कर सकते। द फोर्स विल बी सो फास्ट, सो हार्श टू ब्रेक यू इनटू पीसेस, ठीक है। यही अगर फॉर एग्जांपल नदी पूर आ गई है, नदी भर गई है और बह रही है, आप उस पर स्विम कर सकते हो क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। बट व्हेन इट इज व्हेन द वाटर इज गेटिंग रिलीज, ठीक है, यू जियो पैराडाइज, आई मीन यू एंड अप इन टू कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर्स, ठीक है। ये बहुत डेंजरस होता है, आपको इसका ख्याल रखना है। हमेशा कोई भी साइन बोर्ड कहीं भी लगाया हुआ है ना, आप उसका बहुत ध्यान रखें। टोंग ब्रिज, यहाँ थोड़े बुद्धिस्ट नेम्स की जगहें आपको ज़्यादा मिलेंगी। अभी एक काऊ निकली, आई थिंक कैमरे में आएगी नहीं पता नहीं, यार क्या प्यारी काऊ है। मतलब उसका जो फर है ना वो, मतलब कैसे बताएंगे, जो बाबा ब्लैक शिप का फर होता है ना, वो फर अगर आप काऊ पे लगाएंगे तो कैसा लगेगा, ऐसी मतलब माशाल्लाह ब्यूटीफुल काऊ। क्या खूबसूरत नज़ारा, वंडरफुल रोड्स, वाओ। इसी के लिए तो आते हैं यहाँ पर यार, मतलब दिस व्यू इज़ वेरी नाइस। आई जस्ट सॉ ए पब्लिक टॉयलेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। स्वच्छ भारत अभियान से एक फ़ायदा तो हुआ यार, मतलब कंट्री क्लीन हुई सारी, मतलब ह्यूमंगस डिफरेंस। ये डबलिंग विलेज है, यहाँ पर भी चेक पोस्ट था, ये सुबह से तीसरी चेक पोस्ट आ चुकी है हमारे पास। यहाँ पर पक्की बाउंड्री लाइन है और आगे जाके आपको स्टील पोल्स मिलेंगे। एक्चुअली स्टील पोल ज़्यादा सेफ़ है इन केस ऑफ इम्पैक्ट ना, ये पक्की, उससे आप इम्पैक्ट से आदमी मर जाएगा, मतलब इट्स वेरी डेंजरस। स्टील पोल से आपको इम्पैक्ट कम रहेगा,
दूसरी बात यह कि जो सीमेंट वाला है सीमेंट बाउंड्री है उससे टॉपल भी हो सकता है आदमी, मतलब टकरा के आप आगे उधर भी निकल सकते हो। ये जो होता है ना जो स्टील प्लेट्स है इसमें देखिए आप कर्व बना हुआ है, वो कर्व इसलिए बना हुआ है इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, मतलब शॉक एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है उसमें, वो ज़्यादा मजबूत होता है हैंडल करने के लिए गाड़ी को, किसी भी व्हीकल को वहीं रोकने के लिए, मतलब वो थोड़ा बेंड हो जाएगा और रोक लेगा। मतलब और आधी जगह पर है नहीं, मतलब ये तो यार हमारा बहुत बड़ा लैप्स है एक्चुअली, है कि कई जगह पर मतलब है ना होते ही नहीं है। जब विक्रांत पे ब्रेक लगाते हैं ना तो आप देखो उनकी लाइट ऐसे तीन चार बार ब्लिंक होती है, अगर इंजन ब्रेकिंग करेंगे तो भी होती है, बिकॉज वो लाइट्स स्कैनर्स पार्ट से कनेक्टेड है और इंजन ब्रेकिंग भी सिस्टम रिकॉग्नाइज करके पीछे वाले को अलर्ट फ्लैश करता है। जो स्टॉक लाइट फैक्ट्री से आती है वो छोटी वाली लाइट है जो बीच में है। ही इज चेकिंग आउट ऑफ अवर स्टाफ। मुझे ना मरियम की बड़ी याद आ रही है, मरियम भी आके हर एक चीज़ इंस्पेक्ट करती है। एंड ही इज जस्ट चेकिंग। आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बाबा, आ जाओ, आ जाओ। अरे वाह, हम लोग अभी नाको पहुंच चुके हैं, एक जनरल स्टोर है, कन्वीनियंस स्टोर एंड ग्रोसरी। अभी हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुके हैं फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन वी कंटिन्यू अवर जर्नी टू काजा। काजा यहाँ से 120 किलोमीटर है, ये पूरा पहाड़ ही पर है। I'll show a 360 अराउंड, ये पूरा पहाड़ ही पर है। ये को ढाबा है सामने और ऐसा ही नज़ारा है, पूरी स्नो आप देख सकते हैं, स्नो मतलब माउंटेन टॉप पे स्नो कैप्स हैं और टेम्परेचर यहाँ पर सूदिंग होता जा रहा है। यहाँ बहुत केयरफुल रहना है आपको, ज़रा सी भी मिस्टेक कैन बी वेरी डेंजरस। जब ऑफ रोडिंग आती है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं एडवेंचर राइडर्स टू बैलेंस द व्हीकल बेटर एंड टू इंजॉय द सस्पेंशन टू पास थ्रू द हर्डल। जैसे खड़े हो के आपकी नीज में टैंक को दबा के जब आप बैलेंस करते हो व्हीकल को, वो बैलेंस आपको बिना बैठ के नहीं मिलेगा। ये जो पत्थर हैं, ये पत्थर बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये पत्थर आपको एकदम से ऑफ ट्रैक कर देते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए इनका। यही तो मज़ा है मेरी जान। ये देखो आप देख सकते हो स्टोन्स गिर रहे हैं, छोटे छोटे स्टोन्स गिर रहे हैं। सो अभी क्या हुआ था कि मेरी बैटरी ड्रेन हो गई, तो मैंने बैटरी चेंज करी, बाकी लोगों को आगे जाने दिया। ये बहुत रिस्की है ये गाइस, यहाँ थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक करी ना तो ये नो फ्लाइंग जोन है ड्रोन का, यहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। दिस इज़ अ वाइटल इंस्टॉलेशन। और एक्चुअली ड्रोन के कई कंट्रीज़ आर वेरी ड्रोन सेंसिटिव, मतलब इंडिया में तो आप ज़्यादा जगह पर उड़ा सकते हो, बट फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर बात करते हो लाइक यूएई की, दुबई के अंदर अगर वो ड्रोन उड़ाना है तो यू हैव टू रजिस्टर योर ड्रोन फर्स्ट एंड टेक द परमिशन एंड देन ओनली यू कैन फ्लाई। सो ड्रोन कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर आपको उड़ाना है, जैसे आर्मेनिया है
आर्मेनिया में यू कैन लैंड अप इन अ डिफिकल्टी बिकॉज आर्मेनिया इज़ ए वॉर जोन कंट्री, अजरबैजान के बॉर्डर वाला एरिया है, तुर्किया के बॉर्डर वाला। भाई ये बहुत ख़तरनाक रोड है, ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर ख़तरा बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पर आप ज़रा सा मिस किया ना मतलब यू आर डन, डन मतलब डन तो आप 6 फुट के गड्ढे में भी हो जाओगे, बट अरे रुक जा भाई, भाई भाई एकदम से आ गया, दो गाड़ी निकलने की जगह नहीं यहाँ से। ठीक है, लुक एट दिस नज़ारा, दिस इज सुपर्ब, बहुत खूबसूरत है, बहुत कमज़ोर पहाड़ लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है हाथ जाके हाथ लगाएंगे ना गिर जाएंगे। वाओ, सो वी हैव फाइनली रीच स्पिति। So we met some really interesting people over here. This gentleman Vishu has cycled from Dehradun. ठीक है, कितने दिन में आप? 9 days. 9 days में यार, बट कैसे? चटकुल वाया चटकुला, कैसा गया मतलब लाइक कितना कितना किलोमीटर एक दिन में? मैं 80-100 करता था एक दिन में। अच्छा, ओके, मतलब टिल नाको। ओके, सॉरी नॉट टिल नाको, टिल बिलो। अच्छा, उसके बाद एक्चुअली बहुत अपेल है और एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, एलिवेशन बहुत ज़्यादा जाती है। ओके, तो उसके बाद 65-70। अच्छा, ओके, और रुकते कहाँ पर? होम स्टेज। अच्छा, होम स्टेज या होटल्स। अच्छा, दो मेरे पे सब कुछ था, टेंट वगैरह। अच्छा, बट स्टिल आई प्रेफर वो कि मैं मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम ना लगे सुबह पैक करने में और निकलने में। तो फिर आर यू कपल? Yes. Yeah. So this is a very humble couple from Haryana, and they have been helping us out where to go next. We had done tracking also from Sarpas. अच्छा, okay, कहाँ से? Sarpas किया है हमने। अच्छा, okay. From starting from the Kasol. अच्छा। Grand Village. Right. Then Nimthaj. अच्छा, okay. Nagaru. Right. Sarpas. Right. Bichkiri Thaj. अच्छा, okay. Kasol. Then now. Wonderful. Yeah, very interesting people. Yeah. Thank you. Nice to meet you guys. Yeah. अरे डरो मत, मैं ही हूँ। अरे क्या हुआ एक्चुअली? अच्छा भाई साहब, ये जो उजाला आपको दिख रहा है अभी सनराइज़ हुआ नहीं, सनराइज़ 5:21 पे है अभी, टाइम हो रहा है 5:00, 5:01। कल रात को हम इतने थक गए थे तो होटल आए हम लोग और जो है सीधे जाके क्या बोलते हैं बस जाके लेट गए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा खाना वाना हम लोगों ने खाया और हम लोग को है ना, ये हमारे स्टार आप जानते ही हैं, हाय हाय स्टार यही है भाई। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग है ना, हम लोग मैं अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मेरे को सर दुख रहा था। ठीक है, तो मेरे को लगा सपोज कि यार मैं 3 दिन से कंटिन्यूसली गाड़ी चला रहा हूँ, सोता 5 घंटे हूँ, ठीक है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा होगा। बट लेटर वी रियलाइज कि नहीं यार, हमको ऑल्टीट्यूड का प्रॉब्लम है क्योंकि हम रामनगर से सीधा यहाँ पर आए। कल आई वॉज फाइन, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल इन द इवनिंग, सो भाई ने थोड़ा जिंजर वाटर लिया एंड खाना खाया और सो गया फटाक से, बिकॉज ही वॉन्टेड टू फील गुड। जिंजर वाटर, गार्लिक वाटर? गार्लिक वाटर, हाँ गार्लिक वाटर लिया। नहीं नहीं, जिंजर डिसाइड कर यार, जिंजर लहसुन, लहसुन साला, लहसुन ना, मैंने तेरे को बोला सुबह। हाँ हाँ, तो भाई ने सुबह आई वॉज नॉट फीलिंग गुड यार, वैसा थोड़ा बहुत बदमजा होता है वो। हाँ यार, वो लहसुन ही था, लहसुन का पानी था। ठीक है, सो इन द मॉर्निंग आई गॉट अप एट 4, नॉट फीलिंग गुड विद अ हेडेक, एंड वी हमने चेक किया ऑक्सीमीटर, सो मेरा ऑक्सीजन लेवल 80 आ रहा था, तो विच वॉज नॉट गुड। मैंने डैडी को फ़ोन किया तुरंत कि यार अभी क्या करना है इसमें। ठीक है, डैडी को उठाया मैंने कि अभी क्या करना है, तो डैड ने बोला था वो उसकी है ना, तुम्हें काम करो सबसे पहले बाहर निकलो, ठीक है, थोड़ा नॉर्मलाइज हो और चेक करो ऑक्सीमीटर, ठीक है, वो ओके है देन यू आर ओके, नहीं है तो कार अरेंज करो, कार यहाँ मिल जाती है हमको ऑलरेडी, यहाँ के लोग थोड़े बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने बोला मैं कार है हमारे पास, ठीक है, हम हॉस्पिटल ले चलेंगे ऑक्सीजन देने के लिए, ठीक है, अगर ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ओके नाउ, और हमने ये रियलाइज किया कि हमारे रूम में हमने ऑक्सीजन खत्म कर दी। Yes, there was no ventilation, so when I got up at 4, so I could literally feel that I'm not breathing easy and I'm not very comfortable. So, फिर window खुली, but वही 80, 82, 84 चल रहा था. Then we decided कि यार let's go to hospital. But before that, I took a small walk. तो उसके बाद check किया तो 90 आ गया अभी. Thank God, 90, 92 चल रहा है अभी हम दोनों का, तो we are fine now. तो अभी हम टेम्परेचर यहाँ पे 2 degrees है, ठीक है,
तो सी यू अभी ये वीडियो में क्लोज, ये एपिसोड में क्लोज करता हूँ, और कल से जब मॉर्निंग हम लोग एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे काजा को, तो वहाँ से फिर एपिसोड 3 स्टार्ट करेंगे. सी यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव टू अस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन इज़ मा सलामा.